जा रहा 18 वर्ष से ऊपर के टीकाकरण अभियान, कई राज्यों का कहना है कि जो टीकाकरण अभियान थर्ड ड्राइव है उसके लिए स्टॉक नहीं है। नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है तो उसका प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, उसका व्यवस्था कराना पड़ेगा। और जो जिस तरह से कोरोना इस देश में बढ़ रहा है और बच्चों और नौजवानों पर जिस तरह से अटैक कर रहा है, सरकार व्यवस्था करेगी ही, और सरकार को व्यवस्था करनी ही चाहिए। सरकार का इन्हीं विषम परिस्थितियों में रोल होता है और भारत की सरकार और बिहार की सरकार करेगी। यह पूरी तरह से फेल्योर है या एक युद्ध है, लड़ाई नहीं। कोविड 19 की स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, अदालत ने कहा कि किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि वह इस तरह से हम पर हमला करेगा। देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा आदमी को थोड़ा बल मिल जाता है, थोड़ा पावर मिल जाता है तो आकाश में सीढ़ी लगाना चाहता है और इसी घमंड में समझता है कि दुनिया को हम नियंत्रण कर लिए हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति से आप जूझ के उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं, आप कोई न कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और निश्चित रूप से भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों को इस पर कहीं न कहीं कोई रास्ते निकालनी चाहिए और इस पर अवेयर होके अपनी जनता को राहत पहुंचाने की ज़रूरत है, जो जितना पहुंचाना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की और 02 स्टॉक की शॉर्टेज का जायजा लिया। देखिए, अब 02 शॉर्टेज तो इतना है कि प्राकृतिक आपदा में जितना अनुमान था उससे आदमी अधिक बीमार हैं। अगर उसके एक्चुअल स्थिति पर मुआयना करेंगे तो इस देश में न ऑक्सीजन मिल रहा है, न वेंटिलेटर मिल रहा है, न बेड मिल रहा है, न हॉस्पिटल मिल रहा है, न डॉक्टर मिल रहा है, न नर्सेज मिल रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। इवन श्मशान में भी जगह नहीं मिल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रकृति आपदा से जूझना कोई साधारण बात नहीं है और सिर्फ सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर विश्वस्त होके इसके रास्ते निकालने हैं और सरकार प्रयास कर रही है। भारत में अब तक के एक दिन में कोरोना संक्रमित की संख्या में सबसे बड़ा उछाल आया है और 3,86,000 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक की मौत संख्या जो है 3498 24 घंटे में दर्ज की गई। निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन ये बढ़ ही रहा है। लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था, यह भी सीन होगा इस देश में। जो आज विभत्स स्थिति है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दुख के घड़ी में हम सबों को जहां जो मिले, जिसके साथ आप मदद कर सकते हैं, यह समाज आज की स्थिति में डॉक्टरों की मदद से, हॉस्पिटल की मदद से जीने वाला नहीं है। हमारे और आपके मदद से कुछ अगर मदद मिल जाए और उसकी जान की रक्षा हो जाए तो यह बड़ी बात होगी।